हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ज्ञान महासागर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 के हिंदी क्षितिज के प्रथम अध्याय जिसका नाम है सूरदास के पद की व्याख्या बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे और उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सूरदास के पद नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके रचनाकार कविवर सूरदास जी हैं। इसके बाद आप अगली हेडिंग लिखेंगे प्रसंगी। प्रस्तुत पद कृष्ण काव्य धारा के सर्वोच्च कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के उद्धव संदेश खंड के भ्रमर गीत नामक अध्याय से लिया गया है। दूसरी पंक्ति में लिखेंगे कि इस प्रसंग के माध्यम से गोपियां उद्धव की प्रेम संबंधी उदासीनता पर व्यंग करते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं? इसके बाद अगली हेडिंग होगी आपकी भावार्थ की। भावार्थ जानने से पहले आइए सबसे पहले हम पंक्तियां पढ़ लेते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात्र रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बुदन ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागे, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागे। यहाँ प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। वास्तविकता तो ये है कि इसमें जो बड़भागी या भाग्यशाली शब्द है, इसमें गोपियों ने वास्तविक अर्थों में उद्धव जी पर व्यंग किया है। तो प्रथम पंक्ति में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, आप तो बड़े भाग्यवान हैं, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। दूसरी पंक्ति में वो कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगात, यानी कि आपका मन तो हमारे कान्हा, हमारे प्रियतम, हमारे भगवान के समीप रहते हुए भी अभी तक उनके रूप सौंदर्य से, उनकी माधुर्यता से, उनके रूपाकर्षण से अलग ही रहा, अर्थात प्रेम के बंधन से मुक्त रहा, अर्थात उनके प्रेम से अछूता रहा। नाहिन मन अनुरागी, गोपियाँ आगे कहती हैं, और आज तक उनके समीप रहते हुए भी आपका मन उनकी माधुर्यता के प्रति, उनके रूप के प्रति, उनकी भक्ति के प्रति, उनके प्रेम के प्रति, उनकी माधुर्यता के प्रति आपका मन अनुरक्त नहीं हुआ, अर्थात आज तक आपको मेरे कान्हा से प्रेम हुआ ही नहीं। तो आप क्या जानो प्रेम क्या होता है। अगली पंक्ति में गोपियां कहती हैं, पुरैन पात्र रहत जल भीतर, हे उद्धव जी सुनिए, जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी जल के दाग धब्बों से अछूता रहता है, अलग रहता है, अर्थात उस कमल के पत्ते पर जल के दाग धब्बों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक उसी तरह से हे उद्धव जी आप हैं जो हमारे कान्हा के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में, उनके रस में कभी सराबोर नहीं हुए, अर्थात आपको उनसे कभी प्रेम ही नहीं हुआ, आप उनकी माधुर्यता से, उनके प्रेम से, उनकी भक्ति से हमेशा अछूते ही रहे। आगे गोपियां कहती हैं, गोपियां रुकती नहीं है, वो आगे भी उदाहरण देते हुए कहती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बुदन ताकौ लागी, हे उद्धव जी आप तो ठीक उसी तरह से हैं जिस तरह से किसी पात्र में, किसी बर्तन में तेल लगा दिया जाए और उस पात्र को जल में डुबोया जाए, उस पात्र पर जल की बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक उसी तरह से आप हैं कि मेरे कान्हा के समीप रहते हुए भी आज तक आपको प्रेम हुआ ही नहीं। गोपियां आगे कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, हे उद्धव जी आप क्या जानो प्रेम क्या होता है, और आपने तो प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव ही नहीं रखा, तो आप क्या जानो प्रेम क्या होता है, और आपके नेत्र ना ही कभी हमारे कान्हा के रूप सौंदर्य के अनुरागी ही हुए हैं, अर्थात
हे उद्धव जी, आपका नेत्र कभी हमारे कान्हा के रूप सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुआ। गोपियाँ अभी भी नहीं रुकती हैं। वो आगे कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यो पागी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं, हमें आपकी तरह ज्ञान नहीं है। हम तो ठीक उसी प्रकार हैं जिस तरह से चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, उसी तरह से हमने भी अपने कान्हा को अपने हृदय में बसा रखा है। यानी आप कितने भी उपदेश दो, संदेश दो, हम अपने मन से, अपने हृदय से अपने कान्हा को अलग करने वाली नहीं। प्रथम पंक्ति में लिखेंगे, यहाँ पर गोपियों ने उद्धव जी की प्रेम के प्रति उदासीनता पर व्यंग किया है। दूसरी पंक्ति में आप लिखेंगे कि वास्तविक अर्थों में गोपियों का कहना है कि उद्धव वास्तविक अर्थों में भाग्यशाली न होकर के बल्कि बड़े अभागे हैं, क्योंकि वह कृष्ण रूपी प्रेम और सौंदर्य के सागर तट पर रहते हुए भी उस बंधन से मुक्त हैं, हीन हैं। आइए एक नज़र हम काव्य सौंदर्य पर डालते हैं। सौंदर्य संपूर्ण पद में उपमा और दृष्टांत अलंकार हैं। चींटी ज्योपागी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सरल सहज साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग है। शब्द चयन उचित एवं भावाभिव्यक्ति में सार्थक है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। पुरैन पात में अनुप्रास अलंकार है। गीता एवं संगीत मेहता का सुंदर निर्वाह है। अनुरागी दागी लागी परागी पागी में स्वर मैत्री है।